एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सोनाली फोगाट के हत्याकांड की जांच कर रही गोवा पुलिस की दो सदस्यीय टीमों ने आज दोपहर 12:30 बजे फिर से सोनाली फोगाट के नगर यानी कि हिसार में स्थित मकान को खंगाला। मकान की ऊपरी मंजिल वाले हिस्से की तलाशी ली गई। सोनाली के परिजन भी मौके पर मौजूद थे। और वहीं आपको बता दें कि सर्च के दौरान मिली 3 डायरियों को भी जब्त किया गया। करीब 3 बजे तक यह सर्च चली थी। और आपको बता दें कि गोवा के जांच अधिकारी डेरेन डिकोस्टा ने गोवा पुलिस में अपने उच्च अधिकारी को वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल के दौरान सुधीर सांगवान को सामने लाया गया। सुधीर से जांच अधिकारी डेरेन डिकोस्टा ने लॉकर के पासवर्ड पूछे। उसने पहली बार में 3 अंकों का पासवर्ड बताया, परंतु लॉकर नहीं खुला। इसके बाद दूसरी बार फिर से सुधीर से पासवर्ड पूछा गया, तो अब की बार उसने 6 अंकों का पासवर्ड बताया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, लेकिन लॉकर फिर भी नहीं खुला। और आपको बता दें परिवार वालों ने भी नंबर लगाकर लॉकर को खोलने का प्रयास किया, पर तो सभी असफल रहे। इसके बाद लॉकर को सील कर दिया गया। परिवार और एक पड़ोसी नरेश की मौजूदगी में डायरी को भी जब्त किया गया। सोनाली की तीनों डायरियों में से एक डायरी में कार्यकर्ताओं के नंबर, दूसरे में मजदूरों और नौकरों को दिए जाने वाली तनख्वाह का ब्यौरा और तीसरे में कार्यकर्मों की डिटेल्स थी। गवाह नरेश ने बताया कि सोनाली की डायरियों में कई लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर भी थे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। वह भी गोवा पुलिस ने अपने कब्जे में ली है। सील की कार्रवाई कराने के बाद गोवा पुलिस संत नगर से रवाना हो गई और सदर पुलिस स्टेशन चली गई। और आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के भाई वतन और जीजामन पुनियो ने बताया कि सुधीर सांगवान घर के नीचे बने कमरे में सोता था। सोनाली और यशोधरा का कमरा ऊपर था। सुधीर के कमरे को लॉक किया हुआ था, परंतु गोवा पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी नहीं ली। उस कमरे की चाबी के संबंध में परिवार के सदस्यों ने भी अनभिज्ञता जाहिर की। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जांच अधिकारी डेरेन डिकोस्टा ने बताया कि अभी जांच जारी है। जैसे जैसे दायरा बढ़ता जाएगा, जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी टीम हिसार में ही रुकेगी। बैंक डिटेल्स भी खंगाली जा रही हैं। 3 डायरियां और लॉकर को सील किया गया है। और आपको बता दें कि अब गोवा पुलिस टीम तहसील जाएगी ताकि सुधीर सांगवान के नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी दर्ज हो तो उसका रिकॉर्ड लिया जा सके। सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड तो गुरुवार को पुलिस ले चुकी है। बैंक से 2 खातों की डिटेल्स भी टीम को अभी निकलवानी है। वहीं सोनाली फोगाट के जीजा अमन पुनियो ने कहा है कि गोवा पुलिस समय बर्बाद कर रही है। गोवा पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। गोवा पुलिस जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। और वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को गोवा पुलिस की टीम ने सोनाली का संत नगर यानी कि हिसार में स्थित मकान को खंगाला था। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में बने ऑफिस की जांच की गई थी। ऊपरी मंजिल में कमरों की भी काफी अच्छे से डेकोरेशन हुई थी। गोवा पुलिस की टीम ने पूरे कमरे की वीडियोग्राफी भी की थी। सोनाली और उसके पति की पुरानी तस्वीरों को इंस्पेक्टर डेरेन डिकोस्टा ने मोबाइल में कैप्चर किया था। और आपको बता दें कि एक अलमारी में पुरानी वाइन की बॉटल भी मिली थी। बेडरूम भी देखा और वहीं कमरों की लंबाई और चौड़ाई भी जांची गई। रैंडम सोफास भी लगवाए हुए थे जो कि जोधपुर से मंगवाए हुए थे। एक कमरा उसकी बेटी यशोधरा का था। घर में लगे सीसीटीवी कैमरा, उसकी डीवीडीज भी देखी गई, परंतु उसे टीम ने कब्जे में नहीं लिया। गोवा पुलिस की टीम को सोनाली के कार्यालय से प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले। और आपको बता दें कि गोवा पुलिस की टीम ने निजी बैंक और सरकारी बैंक में सोनाली के 2 खातों की डिटेल्स चेक की ताकि यह भी पता लगाया जा सके कि सोनाली फोगाट के बैंक अकाउंट में कितना पैसा कहां से आया और सुधीर के बैंक अकाउंट में कितना गया। और तो और गोवा पुलिस की टीम ने दोनों बैंकों को पिछले 2 साल की ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड देने के लिए भी एप्लीकेशन दी। बैंक ने अपनी हाई अथॉरिटीज से अनुमति मिलने के बाद यह रिकॉर्ड सौंपने की बात कही। इसके बाद टीम तहसील कार्य पहुंची और सोनाली की प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स खंगाली। करीब 1 घंटा प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स खंगालने के बाद टीम तहसील कार्य से रवाना हो गई। और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल एक लीज डॉक्यूमेंट में पता चला कि सुधीर सांगवान 50 केनाल भूमि में 12 केनाल 10 मरले भूमि 60,000 रुपये के पट्टे पर लीज लेने की तैयारी में था। वह जमीन वह कंपनी क्रिएटिव एग्रीटेक कच्चा चारमीनार रोड रोहतक के नाम पर लीज लेना चाहता था। और वहीं आपको बता दें कि सितंबर में सुधीर सांगवान ने हिसार में अपना मकान 432 अंकित करवाया और पता कृष्ण नगर और तहसील हिसार का अंकित करवाया गया था। लीज पर जमीन लेने के लिए 2 बार अपॉइंटमेंट भी ली थी सुधीर सांगवान ने। और आपको बता दें कि सोनाली के परिजनों ने यह डॉक्यूमेंट गोवा पुलिस को सौंपे हैं। इसी आधार पर वह तहसील में रिकॉर्ड जांच करने पहुंची है गोवा पुलिस। और आपको बता दें कि सोनाली के जीजा अमन पुनिया ने बताया कि प्रॉपर्टी बिल्कुल सेफ है। गोवा पुलिस केस को दबाना चाहती है। हम गोवा पुलिस टीम की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। गोवा पुलिस आरोपचिकता निभा रही है, जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रही है, सिर्फ तलाशी ली जा रही है। यहाँ तक कि जो जब्त करना चाहिए वह नहीं किया जा रहा है। सोनाली फोगाट के पास 1100 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है। सोनाली के पास 6.25 एकड़
उसकी पैतृक संपत्ति है, दुकानें भी पैतृक संपत्ति है। गोवा सरकार इसे ड्रग्स के मैटर पर केस को खत्म करना चाहती है। अमन ने यह भी कहा कि सोनाली की आदमपुर में अच्छी पकड़ हो गई थी। सोनाली की हत्या के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है सोनाली फोगाट की हत्या की या उनकी मौत की, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो या कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो इस वीडियो से तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।